मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे ग्रुप को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जो कोरोना मुद्दत के दौरान मरीजों को दी जाने वाली दवाएं चोरी करने और उन्हें महंगे दामों में फरोख्त करने का गैर कानूनी कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से इंजेक्शन भी बरामद कर लिए। बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए और कोरोना महामारी के दौरान जो लोग रेमडेसिविर और हैवी फ्लू नामक दवाओं और इंजेक्शन का अवैध रूप से ऊंचे दामों पर बिक्री कर रहे थे, ऐसे चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दो रेमडेसिविर के इंजेक्शन, दो खाली, एक भरी हुई सिरिंज, इसके अलावा 12 हैवी फ्लू के जो है टैबलेट, साथ में 62,000 रुपये इनके पास से बरामद किए हैं। ये चार लोग जो है विभिन्न अस्पतालों में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं, जो मरीजों को दी जाने वाली दवाओं को चुरा करके ला करके मार्केट में उच्च दामों बेचते थे। एक सूचना मिली थी एसएसपी महोदय को, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर कोई भी व्यक्ति पूछा जा सकता है किसी भी चोरी से संबंधित, किसी भी अपराध संबंधित, और नंबर जारी किया गया है। उसको सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविक्रू नमक दवा का ऊंची कीमतों को 10 से 20 से 25,000 रुपये लेकर के विक्रय कर रहे हैं। इस पर टीम बना करके तो टीम को भेजा गया, तो इसी क्रम में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। उनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन, फेविक्रू टैबलेट और 62,000 रुपये बरामद हुए हैं। और एक अभियुक्त रिक्की जो है उसके धरपकड़ का प्रयास जारी है। इसमें और जांच की जा रही है कि और कौन कौन से लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं।